मैंगो का सीजन चल रहा है, वो मैंगो को स्टोर ना किया जाए साल भर के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। अब आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं जिससे आप और आपके बच्चे पूरा साल भर के लिए इसको एंजॉय कर सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो जैम की ऐसी रेसिपी जिसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है, ना कोई कलर, ना ही कोई केमिकल, और टेस्ट में बाजार के जैम को फेल कर देगा, ये मेरी गारंटी है। हर बाइट में आपको ऐसा लगेगा ना कि आपने बिल्कुल फ्रेश मैंगो खाए हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब आपको पूरे साल भर तक समर का वेट नहीं करना पड़ेगा मैंगो खाने के लिए। आप इस जैम को बनाकर पूरे साल भर तक बिल्कुल फ्रेश मैंगो का टेस्ट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से मैंने इस जैम को कैसे बनाया। फ्रेंड्स, मैंगो जैम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छी क्वालिटी के मैंगो। तो आपके पास जो भी अच्छे क्वालिटी के मीठे मीठे आम मिल रहे हैं आप उन्हें ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 1 किलो आम लिए हैं और आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अल्फेंसो मैंगो। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे अल्फेंसो ले रही हूँ और ये काफ़ी मीठे आम हैं। तो सबसे पहले मैं आम का पल्प निकाल के एक बोल में रख लूँगी। तो आप आम को पील करके फिर भी कट कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसा कर लीजिए। तो यह मैं सारे जो मैंगो है इसको अच्छे से पील करके इसका पल्प निकाल लूँगी। मैंगो का पल्प मैंने यहाँ निकाल लिया है और चाहिए हम इसको पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो मिक्सर में डालेंगे इसको और ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते समय इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। मैंगो की हमें फाइन प्यूरी बना के तैयार करनी है। दोस्तों, बहुत से मैंगो में ना ऐसे धागे निकलते हैं, तो अगर आप उस तरह के आम का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप छान लें पीसने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बिल्कुल भी धागे नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, तो फ्लेम को हम सबसे पहले ऑन कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे मैंगो की प्यूरी। तो ये जब बनाते समय इतना टेम्पटिंग लगता है, इसको लगता है ऐसे ही खा लें। मेरे बेटे को तो मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी, तो ये रेसिपी मेरे लिए तो बेस्ट हो जाती है क्योंकि साल भर तक वो मैंगो के लिए परेशान नहीं होता है और मैं उसको थोड़ा थोड़ा ये देती रहती हूँ, तो उसको मैंगो का मज़ा पूरे साल मिलता है। अब यहाँ पर जो मैं शक्कर डाल रही हूँ, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैंने आधा कप जितना ही शक्कर डाली है क्योंकि आम जो थे वो ज़्यादा मीठे थे। अगर आपके आम थोड़े से खट्टे हों तो आप इसमें 1 कप जितना शक्कर डाल दें। फ्लेम को हमने स्लो रखा है और अच्छे से हम शक्कर के साथ पहले प्यूरी को मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे शक्कर जो है मेल्ट होगी ना, तो जो जैम है वो काफ़ी ग्लॉसी दिखने लगेगा, उसमें एक अच्छी सी चमक आ जाएगी, कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। बस ध्यान रखें, चलाते रहें, जैम जैसे ही पकना स्टार्ट होगा इससे छींटे उड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल के करिएगा। और बस इसको हम चलाते रहेंगे और 10 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। और ये देखिए, ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड नहीं है, ये मेरी फूडीज पहनने आ की शील्ड है जिससे छींटे ना उड़े और काम आसानी से हो सके। तो आप भी अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। ये देखिए जो मैंगो जैम है उसमें कितना बढ़िया कलर आ गया है, देखिए एक अलग सी चमक आ गई। ये जो चमक है ना, शक्कर के कारण है। और अब इस स्टेज पर मैं डाली हूँ 1 चम्मच जितना नींबू का रस। इससे क्या होगा, जो शक्कर है ना वो क्रिस्टल नहीं होगी, टेस्ट बैलेंस होगा और जो खट्टापन है वो एक प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में काम करेगा जिससे आप इसे काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। 2 मिनट और पकाएंगे और फिर आप इसको हम प्लेट में डाल के टेस्ट करेंगे। अगर आपका जैम बह नहीं रहा है, बिल्कुल सेट है इस तरीके से, यानी कि जैम जो है बन के रेडी हो गया है, अगर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है तो आप इसे 1 से 2 मिनट और पका लें। पर यहाँ जो जैम है वो बढ़िया तरीके से बन गया है, बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा है। ये देखिए क्या शाइनिंग हो, क्या टेक्सचर है, बिल्कुल मार्केट जैसा। इवन मैं कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि मार्केट से कहीं ज़्यादा परफेक्ट जैम बन के तैयार हुआ है। जब हम घर में इतनी आसानी से 10 मिनट में बना सकते हैं जैम, तो क्यों ही फालतू का बाहर से लेके आना जिसमें भर भर के केमिकल और प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। चलिए, जैम तो बन के रेडी है, इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कांच का जार और इसको पहले मैंने अच्छे से स्टरलाइज कर लिया था और अब इसके अंदर हम जैम को डाल देंगे। जैम को यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर है तभी मैंने डाला है। अगर आप जार को स्टरलाइज नहीं करना चाह रहे हैं तो बस साफ़ करके जार को सुखा लें और उसमें गरम गरम जैम डाल दें, और जब जैम ठंडा हो जाए तो आप इसकी लिड लगा दीजिए और आपका जैम जो है पूरे साल भर तक ख़राब नहीं होगा और आप इसे मज़े से यूज़ कर पाएंगे। जैम को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर रख सकते हैं, लेकिन लंबे यूज़ के लिए आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर करें जिससे कि आपका जैम है ना पूरे साल भर तक ख़राब नहीं होगा और आप इसको पूरे साल भर पूरा इन्जॉय कर पाएंगे। तो मैंने तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर दी है, आम का सीज़न जाए उसके पहले जल्दी से बना लीजिए अपने बच्चों के लिए ये मज़ेदार सा मैंगो जैम।
इसके पहले स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी भी शेयर करी थी, उसका वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी, जल्दी चेक कर लीजिए। रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो फॉलो, लाइक एंड शेयर फॉर मोर। बाय बाय एंड टेक केयर।